हॉस्पिटलाइज था, तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। उस टाइम पे तो मेरी डॉक्टरों से बात हुई थी कि मैं सर मैं दोबारा एक्सरसाइज कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो डॉक्टरों का कहना था कि बेटा आप चल भी लोगे सही तरह वही बहुत है। अच्छा, मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि चल लोगे वही बहुत है, सही तरह चल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर समय समय पर हम काफ़ी अच्छी शख्सियत के साथ बातचीत करते हुए, इंटरव्यू करते हुए अपने जो ऑडियंस के अंदर बहुत सारे युवा साथी हैं उनको इंस्पायर करने का, उनको मोटिवेट और गाइड करने का प्रयास करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं जो दिल्ली से हैं, खानपुर इनका गांव है, लेकिन पूरे देश भर में छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। फिटनेस आपको दिखाई पड़ी रही होगी इनकी। और चौधरी रोहतास गुजर जी जो हैं हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे सारी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। धन्यवाद भाई साहब। सर शुरू से शुरू करें तो अपनी कहानी बताएं, किस प्रकार से आपने ये जो फील्ड है चूज किया और फिर किस प्रकार की कठिनाइयाँ रही? मैं रोहतास गुजर दिल्ली से हूँ, खानपुर गाँव से हूँ मैं। और मैं शुरू से ही काफ़ी शौक़ था मेरे को एक्सरसाइज करने का। स्कूल टाइम पे भी हम जब स्कूल जाते थे उससे पहले भी हम सुबह उठ के अपना रनिंग वनिंग करते थे, उसके बाद स्कूल जाया करते थे। उसके बाद मैंने 2002 में नेहरू स्टेडियम दिल्ली में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। कुछ ही समय बाद मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और जिसके कारण मेरे को बॉक्सिंग का जो मेरा कैरियर था वो मेरे को छोड़ना पड़ा था। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था बीच में ही? जी, मेरा बीच में ही एक्सीडेंट हो गया था। ये कब की बात है? ये 2007 की बात है। 2007 की बात है। फिर उसके बाद वापस से कैसे जी? 2007 की बात है जिसमें कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो L4, L5, S1 जो होती हैं, मेरी बैक बोन जो होती है उनकी, वो मेरी कैप्चर हो गई थी। और मेरे 6 बार अब तक ऑपरेशन हो चुके थे उस टाइम पर। जी, ओजोन थेरेपी होती है, उससे मेरे 6 बार ऑपरेशन हो चुके थे। तो सिर्फ योगा से ही मैंने अपने आप को पूर्ण स्वस्थ किया और जो रिकॉर्ड थे उसके बाद मैंने, जब मैं हॉस्पिटलाइज था तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। उस टाइम पे तो मेरी डॉक्टरों से बात हुई थी कि मैं सर मैं दोबारा एक्सरसाइज कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो डॉक्टरों का कहना था कि बेटा आप चल भी लोगे सही तरह वही बहुत है। अच्छा, मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि चल लोगे वही बहुत है, सही तरह चल लोगे वही बहुत है, तो ये मत करना कभी झुकने वाला काम, ऐसा कुछ नहीं करना। पर अपने आप में एक अंतर था कि जीवन है, एक बार जीवन मिला है तो ऐसे तो इसको गंवाना नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था पहले 2220 पुशअप का, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो प्रैक्टिस के दौरान ही मेरे को लगा कि उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो कनाडा का रिकॉर्ड था 8 घंटे में 10,000 पुशअप का। अच्छा, जो कि मैंने 7.5 घंटे में 10,102 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। अच्छा। और वो रिकॉर्ड मैंने वल्लभ भाई पटेल जी को अपना रिकॉर्ड समर्पित किया। क्या बात है, ये भी एक अच्छी बात है जी। मतलब जो रिकॉर्ड है वो समर्पित भी किया और इतने बुरे हालात से गुजरने के पश्चात इस तरीके से ओवरकम करके और किसी वर्ल्ड के लेवल के रिकॉर्ड को तोड़ने का, आम मतलब अपना अपना इलाके का या अपने एरिया का छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड। हाँ जी, ये तो पूरा विश्व रिकॉर्ड था, गिनीज रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है, पूरे दुनिया के रिकॉर्ड है ये। और जो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड जो 2220 का था वो मैंने 2690 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। जी, अच्छा, उसके बाद फिर रिकॉर्ड्स और भी टूटे होंगे। हाँ जी, 2016 में योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे पे फरीदाबाद में ही मैंने, जिसके साक्षी अध्यक्ष अमित शाह जी, स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी मंच पे मौजूद थे, उस टाइम पे मैंने इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ा था। अच्छा, जो कि 36 kg के साथ में 38 पुशअप का रिकॉर्ड था। अच्छा, उस रिकॉर्ड से पहले भी ये हुआ कि जिस दिन रिकॉर्ड मेरे को तोड़ना था उससे एक दिन पहले जो गिनीज की टीम आई हुई थी इंग्लैंड से, वो मेरे से बोलती है कि हमको डाउट है कि आप रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाओगे। अच्छा, वो क्यों? तो उनको ये लगा कि जो फॉरनर होते हैं वो, उनकी डाइट बड़ी अच्छी रहती है और वो एक उनके माइंड में भी ये है कि हम इंडियन इतने ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं है कि उनके रिकॉर्ड तोड़ पाए। जिसका मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था ऑलरेडी, उसके पास जो उसकी टीम थी, हमेशा 7 लोगों की टीम उसके साथ रहती थी और मैं रात को 10-11 बजे तक उसके साथ बैठा होता था। उसको ये लगा कि अब तो ये हमारे साथ है तो सुबह रिकॉर्ड कैसे ब्रेक कर पाएगा। तो उस दिन मैंने जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड मैंने जो
38 पुशअप का रिकॉर्ड था 36 केजी के साथ में। मैंने वेट भी फालतू लिया, मैंने 36 केजी 600 ग्राम वेट लिया था। अच्छा। और 51 पुशअप से वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। क्या बात है, कमाल की बात है। मतलब जो वेट था जो लेना था उससे भी 600 ग्राम फालतू लेके मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक। और ये उस समय आप मतलब फर्स्ट टाइम भी होगा आपका ये तोड़ने के लिए, तो ऐसा कुछ बार बार तो कभी नहीं? नहीं, मैंने तो पहली बार में मेरा रिकॉर्ड जो था मैंने की थी 60 पुशअप की थी, बाय एंगल उन्होंने 9 को माइनस कर दिया था तो 51 से वो रिकॉर्ड ब्रेक माना गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कमाल की बात है ना साथियों कि किस प्रकार से एक शख्स जिसका पहले कभी एक सपना था कि एक बड़ा बॉक्सर बनना है और बड़ा एथलीट बनना है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपना नाम कमाना है, लेकिन फिर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद मतलब जिस समय ये सैया पर थे उस समय डॉक्टर्स ने जब इनको ये मना कर दिया कि आप चल फिर लो, वो भी एक बड़ी बात रहेगी, उस शख्स ने जो है आगे चल के वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया और वो भी पुशअप्स में, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के अंदर ही जो चल फिर भी नहीं सकते थे, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये जानना चाहूँगा दो चीज़ें मेरे मुख्यतः दो सवाल रहेंगे। एक सवाल तो ये कि कैसे उस समय ओवरकम किया, क्योंकि कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो रही होगी कि जिसके माध्यम से आप ओवरकम कर पाए, और दूसरा सवाल ये कि ऐसा क्या खाते हैं कि आज भी इतना फिट है और ये सब कर पाए। देखिए जी, पहले तो ये कि किस तरह, सबसे पहले तो आपको अपने मन में ठानना होता है कि जो चीज़ करनी है। बस मैंने कुछ नहीं करा, बस अपने मन में ठाना था कि मेरा जो जीवन, मैं अपना जीवन ऐसे नष्ट नहीं होने दूंगा, बर्बाद नहीं करूंगा, कि नॉर्मल जीवन नहीं जीना मेरे को। तो उस टाइम पे ही मैंने वो चीज़ें ठानी थी और उसकी ही मेहनत थी, बार बार प्रैक्टिस थी, 8-8 घंटे की मेरी मेहनत रही है, प्रैक्टिस रही है, जब भी मैं उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाया हूँ। और समाज का, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहा है, बिना प्रभु के आशीर्वाद के, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो मैं बार बार माता पिता और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज उनकी ही कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही मैं रिकॉर्ड ब्रेक करने में कामयाब हो पाया था। जी, डाइट किस तरह की रहती जी? अच्छा, आज मैं आपको बताता हूँ। एक ना डाइट को लेते हुए बड़ा समाज में बड़ा झूठा फैलाव सा हो रहा है कि ये खाना वो खाना है। तो जो भी मेरे युवा भाई आपके माध्यम से सुन रहे हैं, तो आज मैं उन सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी अपने जीवन में शरीर में जहर ना घोलें। जहर का मतलब मेरा है जो आज की डेट में जो जिमों में बच्चे जा रहे हैं, जो कि स्टेरॉइड ले रहे हैं, गलत सप्लीमेंट ले रहे हैं, टैबलेटें ले रहे हैं बॉडी बनाने के चक्कर में, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम जो आपका शरीर है उसमें जहर ना घोलें, तो उससे आप बचें, किसी के बहकावे में मत आएँ। सिर्फ ये नहीं, आपको देखने के लिए अच्छी बॉडी बनानी है, आप में उसमें ताकत भी डालनी है। तो ये तो मेरा हो गया कि बच्चे जो हैं उस चीज़ से बचें, जो आज की डेट में आपने भी देखा पूरी हर तरफ बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है कि बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं, टैबलेटें ले रहे हैं, तरह तरह के पाउडर खा रहे हैं, तो उनसे बचें, उनको ना लें। और डाइट की मैं बताता हूँ कि जो हमारी घरेलू डाइट है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मेरा जो मैं अपनी डाइट बताता हूँ, मैं सुबह उठने के बाद में एक सेब लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद मैं अंकुरित खाना खाता हूँ, और उसके बाद मैं नाश्ते में दलिया लेता हूँ, उसके बाद रोटी सब्जी छाछ दही जो हमारे खाने में होती है वही रहती है, उसके बाद दोपहर में फ्रूट्स रहते हैं, रात को दोबारा से दाल ज़रूर लेता हूं मैं कि प्रोटीन के लिए दाल बहुत ज़रूरी है, और दूध पीता हूं, और दूध में अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो तो थोड़ा सा घी ज़रूर लें खाने में, अपने में घी को अवॉइड ना करें, और उसमें हल्की सी मैं हल्दी ज़रूर लेता हूं पूरी बॉडी की रिकवरी के लिए। अच्छा, अभी बीच में आपने बताया कि दोपहर में फ्रूट्स लेते हैं लंच? हाँ, लंच तो मेरा हो ही जाता है, मतलब लंच अच्छा। के बाद में जो आज की डेट में जो टी टाइम लोगों को उस टाइम पे लंच हो जाता है, हाँ वो मेरा फ्रूट्स, उसमें फ्रूट्स ले लेता हूँ, तो ये रहता है। तो अच्छा, अभी मैरिड हैं? हाँ, मैं मैरिड हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, बेटा जो मेरा बड़ा बेचा बेटा है वो 10th क्लास में है। और एक बार दर्शकों की ये और बताएं, एज क्या है? एज मेरी इस टाइम 40 साल एज है। 40 अच्छा, कई बार हो जाता है ना कि हम तो काफ़ी व्यस्त हैं काम में, परिवार में, और फिर शरीर का ध्यान नहीं रख पाते, क्या कहेंगे हमारे युवा साथियों को कम शब्दों में अंत में? देखो, युवा साथियों के लिए भी और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में कम से कम आधा घंटा जरूर निकालें। भगवान ने आपको जीवन दिया है तो ये अच्छा जीवन के लिए, जीने के लिए दिया है, स्वस्थ रहने के लिए दिया है। आप अगर आधा घंटा इस शरीर को दोगे तो जब भी आप स्वस्थ रह पाओगे। जब आप समय समय पर गाड़ी की सर्विस भी करवाते हो, उसमें पेट्रोल डीजल भी करवाते हो, उसके टायरों की हवा भी चेक करते हो, तो ये शरीर भी तो आपकी गाड़ी है जो भगवान ने इसको बनाया है इसमें, तो
तो ये तो भगवान की बनाई हुई आप मूर्ति हो, तो उसको क्यों नष्ट कर रहे हो अपने शरीर को? तो ये नहीं कि कम से कम आधा घंटा आप ज़रूर निकालें, ये नहीं कि जिम में जाएं या जो भी आपको मन पसंद है, योगा करें, सुबह उठ के वॉक करें, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं वो नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम करें, कुछ योगा है योगा करें, सूर्य नमस्कार करें, पर कुछ ना कुछ करें ज़रूर, आधा घंटा बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है निकालने के लिए। अगर आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, अच्छा ब्रेन चाहिए, क्यों अच्छा शरीर होएगा तो अच्छी सोच आएगी, आपके अच्छी सोच भी आप पे डिपेंड करती है, अच्छे शरीर पे ही अच्छी सोच रहती है और अच्छे सोच पे अच्छा शरीर रहता है। तो यही है कि सोच अच्छी होगी तो शरीर आप अच्छा रहेगा, जब भी आपकी सोच रहेगी तो इसलिए आप अपने शरीर के लिए समय बहुत ज़रूर निकालें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं तो ये भी कहूँगा सर, आप एक अच्छे मतलब पुशअप करने वाले, एक अच्छे फिटनेस कैंडिडेट तो हैं ही, फिट कैंडिडेट तो हैं ही, लेकिन साथ में एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, अच्छे से मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हमें मौका मिला था आज इनसे मिलने का, क्योंकि यहाँ जो है अपने महेंद्रगढ़ शहर के अंदर ही इनका एक कार्यक्रम था, इसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे थे। यहाँ जब ये पहुँचे थे इनसे हमने न्यूज़ में भी बातचीत करी, बाकी विशेष बात ये है कि यहाँ पर ये पहुँचे जो यहाँ जो अपना बाबा रामफलानाथ अकेडमी है, इस अकेडमी के अंदर नर्सिंग कोच जहाँ तैयारी करते हैं, फिजिकल अकेडमी जिनकी है, इसके अंदर काफ़ी अग्निवीर में जो सिलेक्शंस हुए, सीपीओ में जो सिलेक्शंस हुए, उनको सम्मानित करने के लिए, उन युवा साथियों को सम्मानित करने के लिए पहुँचे थे। बाकी इनका इंस्टाग्राम पर इनका अपना पेज भी है, एक बार सर पेज वगैरह बता दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पर रोहतास वीर करके मेरा पेज है, और फेसबुक मेरा वेरीफाइड फेसबुक पेज है जो ब्लू टिक वाला है, तो आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी युवा है तो वो कैसा क्या डाइट चाहिए, कैसे आपको करना है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने का। तो मैं तो युवाओं से मेरी तो मैसेज यही रहता है, हर मन से मेरा ये रहता है कि कम से कम आप जो जहर है आज की डेट में जो खा रहे हैं बच्चे, उससे बच्चे घर का बना हुआ खाना खाएं, अंकुरित खाएं, दलिया खाएं, मोटा अनाज खाएं, बाजरा खाएं, चना खाएं, मक्का खाएं, तो जो भूल चुके हैं लोग, तो उन पर आप दें, उनसे ज़्यादा ताकत किसी चीज़ में नहीं है, उससे अच्छा स्टेमिना किसी चीज़ से नहीं आ सकता। तो दलिया खाएं, अंकुरित भोजन खाएं, अनाज खाएं, सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं, दाल खाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर इंटरव्यू अच्छा लगा तो, और बाकी इस तरह के इंस्पिरेशनल जो हैं इंटरव्यूज़ हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं चौधरी रोहतास गुर्जर के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इस उम्र में, इस एज के अंदर, 40 की एज के अंदर शादीशुदा होने के बावजूद, घर परिवार और प्रोफेशनल लाइफ होने के बावजूद ये फिट हैं और पूरे इंडिया के लिए जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक ब्रांड एम्बेसडर हैं पुशअप्स के अंदर, फिटनेस के लिए। आपने यहाँ देखा होगा कि इधर आपको दिखाई पड़ेगा चौधरी रोहतास गुर्जर फिट इंडिया एम्बेसडर, गिनीज वर्ल्ड चैम्पियन, पुशअप चैम्पियन जो है ना ये हैं। तो इनसे काफ़ी अच्छी मुलाकात रही। बाकी आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।